नमस्कार, मैं आकाश पांडे हूं और आजकल एक फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा में है जो कि हमारे लखनऊ के एक बहुत ही बेहतरीन इंसान और यूं भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर जनाब जुनैद अली साहब। जी हां, तो मैं बात कर रहा हूं इन्हीं की एक फिल्म जो कि लखनऊ में भी काफी तहलका मचाए हुए है, जिसका नाम है निम्मो लखनऊ वाली। ये फिल्म आज की युवा पीढ़ी के लिए है, बच्चों के लिए है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छी सीख दी गई है और वो सीख ये है कि आजकल हमारी आने वाली जो न्यू जनरेशन है वो किस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर परेशान रहती है, जिसके चलते कई बार आपने देखा होगा कि कई इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिसके लिए मां बाप जिंदगी भर बैठे हाथ मसलते रह जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं वो है मोबाइल का जरूरत से ज्यादा उपयोग करना। इस फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि बहुत ही हस्ती खेलती सी, बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो कि एक फिल्म निर्देशक बनना चाहती है। उसके चार पांच फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और वो सब के सब सोशल मीडिया से ली है और सिर्फ एक सेल्फी के चक्कर में वो लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। बेशक सोशल मीडिया हमारे लिए आवश्यक है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए जो हमारी जिंदगी के ऊपर भारी बोझ बन जाए और हमारे मां बाप को बैठकर रोने के लिए मजबूर कर दे। तासीर आप देखिए, जुनैद अली साहब ने एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है, ये हमारे देश की, हमारी दुनिया की आवाम को कि देखें कि किस तरीके से हम जरा जरा सी चीजों से भटक जाते हैं और उसी को कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपने कई एक्सीडेंट्स देखे होंगे, रेलवे ट्रैक के ऊपर बच्चे चले जा रहे हैं, बात करते हुए पीछे से ट्रेन आई लेके चली गई, कभी रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं तो इतना ज्यादा ईयरप्लग्स आपके लगे हुए हैं कि आपने सुना ही नहीं कि कब ट्रेन आ गई और आपको जिंदगी से हाथ धोना बैठा। कई घटनाएं तो हंसी का एक जरिया बन जाती है लोगों के लिए। मैंने कई वीडियोस इस तरीके के देखे कि आदमी बात करता करता जा रहा, कहीं पोल से टकरा रहा है, कहीं जाके गटर में गिर रहा है, बाद में लोग उसका मखौल बना रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। तो ये मजाक वो लोग बना रहे हैं जो खुद इस दलदल में धंसे हुए हैं और वही काम कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये घटना जिस तरीके से किसी दूसरे के साथ हो रही है, ये आपके साथ भी हो सकती है। और हां, एक अहम बात आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पिक्चर के अंदर लखनऊ के बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन कलाकारों को जुनैद भाई ने, चूंकि ये भी लखनऊ के ही हैं, इसलिए इन्होंने अपने लखनऊ को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन काम किया है कि यहां के एक्टर्स को लेके उन्होंने जिस तरीके से यूज किया है वो वाकई बात काबिले तारीफ है। मैंने भी इस पिक्चर में एक किरदार प्ले किया है, अहम कह सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि बच्चों को देखता है, समझाता है, डराता भी है ताकि असलियत और सच सामने आ सके। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश यह है कि इस फिल्म को देखने जरूर जाएं और अकेले ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी साथ में लेकर जाएं, अपने पेरेंट्स को ये पिक्चर देखने के लिए मजबूर करें और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को लेकर जाएं और ये फिल्म देखने के लिए मजबूर करें कि देखो, आज एक मोबाइल से जहां इतनी अच्छाइयां होती हैं वहां कितनी बुराइयां भी होती हैं कि बच्चे जरा सी सावधानी के हटते ही अपनी जान से हाथ धो लेते हैं। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक उठाया है हमारे जुनैद साहब ने कि इस चीज को वाकई बात ही बहुत ही तारीफ के काबिल है। मेरी सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि इनका ये प्रोजेक्ट इसी तरीके से
धुआंधार तरीके से जिस तरीके से लखनऊ की जनता के अलावा बाहरी शहरों में भी उसको बहुत प्यार मिल रहा है, तो आप लोग भी इसी तरीके से इस फिल्म को प्यार दें और मेरे किरदार को जरूर देखिएगा और बताइएगा कि मैंने किस तरीके का काम किया, क्योंकि मुझे आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के कमेंट्स मुझे दिन पर दिन और बेहतर बनाते हैं। थैंक यू सो मच जुनैद भाई, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, फिल्म का मोटिव बहुत अच्छा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे ताकि हम लोग साथ में मिलकर इस काम को कर सकें। हाँ, मैं साथ में एक अपना वीडियो भी इसमें ऐड करके भेजूंगा जिसको जरूर देखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बात ध्यान रखना, मैं तुम लोगों का करियर बर्बाद कर दूंगा। सर, ये 1,00,000 रुपए के वो पुराने नोट हैं जो चोरी में इन लोगों के पास से बरामद हुए हैं।